आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। आखिर कैसे आईसीसी के सिर्फ एक सिग्नल से पाकिस्तान को पूरी की पूरी हरी झंडी मिल गई है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाने की। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी के चेयरमैन की स्टेटमेंट आपने सुन ली होगी कि पाकिस्तान के अंदर ना तो किसी टीम ने अब तक हिचकिचाहट का मुजहरा किया है कि पाकिस्तान उनकी टीम ट्रेवल नहीं करेगी, और उनका इशारा इंडिया की तरफ था। सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है, मतलब पाकिस्तान तो होस्ट नेशन था लेकिन पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगा। के पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को रीलोकेट नहीं किया जा रहा और ये इवेंट पाकिस्तान में भी होगा, और उन्होंने साथ जुमला इस्तेमाल किया कि तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए राजी हैं। हम रीएलोकेट करें पाकिस्तान से कहीं दूर लेके जाएं आपके चैंपियंस ट्रॉफी को जो कि 2025 में होस्ट करने वाली है। ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। तो आईसीसी चीफ ने इन तमाम चीजों को अब रिजेक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ही इवेंट होगा और पाकिस्तान से इवेंट बाहर नहीं होगा। ये आज कल की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो निकल कर आ रही है, क्योंकि आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जेफ अलाडिस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। आईसीसी ने कोई भी कंटिंजेंसी प्लान नहीं लिया हुआ है, कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कि रीलोकेट करे वो 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को। के अलावा एक और तजवीज फिर से दोबारा जागी है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अमृतसर में स्टे करे, लाहौर जाके अपना मैच खेले और वहां से वापस आ जाए। और इसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं है, पाकिस्तान होस्ट करे कोई भी होस्ट करे, सवाल ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप नाइलेट में देख लिया है चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में ही होगी। कुछ दिन पहले दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसके दौरान उनसे सवाल किया गया कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या होगा, पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। उनका कहना था कि हमने अभी तक सोचा नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हो, क्योंकि किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान आने के लिए ना नहीं बोला, सारे मुल्क पाकिस्तान आने के लिए राजी हैं। अभी बड़ा सवाल यही बचता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, अभी उसके ऊपर फैसला होना है। लेकिन आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव का यही कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। इसको लेकर पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, स्टेडियम को नया तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। आइए इसके ऊपर जानते हैं कि इंडिया मीडिया क्या रद्दमल आया है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। आखिर कैसे आईसीसी के सिर्फ एक सिग्नल से पाकिस्तान को पूरी की पूरी हरी झंडी मिल गई है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाने की। और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एक तरीके से व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही थी पूरे इमेज को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, वो कहीं ना कहीं अब आईसीसी की तरफ से भी साफ होता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें बीते कुछ दिनों में, तो आपको पता है किस तरीके से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही थी कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है यानी पीसीबी, वो लगी हुई है, पूरी तरीके से जुटी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाने में। उन्होंने बजट एलोकेट कर दिया, अपने स्टेडियम्स के रिनोवेशन शुरू करवा दिए। अब इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि इस वक्त की ब्रेकिंग भी है, और वो इस वजह से है क्योंकि दुबई में बीते कुछ दिनों में चल रहा था प्रेस ब्रीफिंग, इसमें आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो मौजूद थे। अब उन्होंने एक तरीके से हरी झंडी दे दी हुआ है कि भले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन है, इसमें दोनों कंट्रीज एक पेज पे नहीं है, पर फिर भी अभी हमारे दिमाग में ये प्लान नहीं है कहीं भी कि हम रीएलोकेट करें पाकिस्तान से कहीं दूर लेके जाएं आपके चैंपियंस ट्रॉफी को जो कि 2025 में होस्ट करने वाली है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी ये कहते हुए नजर आ रहा था कि आप चिंता मत करिए, हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी है वो यहीं पर किया जाए, किसी तरीके से हम उसे पाकिस्तान में ही रखें। और अब यहां पर भी जो अनाउंसमेंट है उसको लेकर क्लियर कर दिया गया है कि यहां से उनके कोई प्लान नहीं है रीएलोकेट करने के। पॉइंट यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं है, पाकिस्तान होस्ट करे कोई भी होस्ट करे, सवाल यह है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाना चाहेगी। क्योंकि बात करें अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो लास्ट 2008 का वो एशिया कप था जब इंडिया गई थी पाकिस्तान खेलने के लिए, और साल 2012 में लास्ट दोनों टीम्स ने एक दूसरे से बायलैटरल सीरीज खेली, उसके बाद से आपको ये दोनों टीम अक्सर आईसीसी इवेंट्स में ही भिड़ते नजर आती है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी के चेयरमैन की स्टेटमेंट आपने सुन ली होगी कि पाकिस्तान के अंदर ना तो किसी टीम ने अब तक हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान उनकी टीम ट्रैवल नहीं करेगी, और उनका इशारा इंडिया की तरफ था। और साथ उन्होंने ये भी वाजह तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को रीलोकेट नहीं किया जाएगा। ये भी आईसीसी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ दुबई के अंदर वेमेंस वर्ल्ड कप की एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए वाजह कर दिया कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को रीलोकेट नहीं किया जा रहा और ये इवेंट पाकिस्तान में भी होगा। और उन्होंने साथ जुमला इस्तेमाल किया कि तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए राजी हैं, और हमें अभी तक ऑफिशियली किसी ने नहीं कहा कि वो
ये चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं खेलना चाहते हैं या हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से बाहर मैचेस कराए जाए। अलबत्ता उन्होंने उस स्टेटमेंट के अंदर ये जरूर लफ्ज इस्तेमाल किया सो फार का कि अभी तक ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो आगे जाके अब मालूम होगा कि आया इंडियन क्रिकेट बोर्ड जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो तब क्या सूरत हाल होती है। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जो इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ले ली जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, तो आईसीसी चीफ ने इन तमाम चीज़ों को अब रिजेक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ही इवेंट होगा और पाकिस्तान से इवेंट बाहर नहीं होगा। जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है तो मैं आपको अपडेट देता चलूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल बना के भेजा था आईसीसी, वो दीगर मेंबरान को भी भेज चुका है। यहाँ तक मुझे पता चला है कि इंडिया को लेके शायद आईसीसी किसी और तरीके से शेड्यूल के अंदर रद्दो बदल करने का सोच रहा है, शायद एक वेन्यू लाहौर की बजाय किसी और वेन्यू के ऊपर भी इंडिया को एक मैच मिल सकता है। इसके अलावा एक और तजवीज़ फिर से दोबारा जागी है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अमृतसर में स्टे करे, लाहौर जाके अपना मैच खेले और वहाँ से वापस आ जाए, और इसके लिए दोनों हुकूमतें जो है पाकिस्तान की और इंडिया की वाघा बॉर्डर के ऊपर जो इंतजाम होते हैं वो करने पड़ेंगे, और दोनों मुल्कों की हुकूमतें अगर राज़ी होती हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी ट्रेनिंग है, अपना जो होटल है उसको अमृतसर में रखे और पाकिस्तान मैच खेल के तो वापस आ जाए। सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है, मतलब पाकिस्तान तो होस्ट नेशन था लेकिन पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगा। मैं भी सदमे में हूं। ये आज कल की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो निकल कर आ रही है, और ये क्यों आ रही है क्योंकि कल से एक रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जेफ अलाडिस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कल के दिन एक मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी, वहां पर एक स्टेटमेंट दिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अब वो स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले वो स्टेटमेंट पढ़ दे। यहां पर जेफ अलाडिस ने क्लियर किया कि आईसीसी ने कोई भी कंटिजेंसी प्लान नहीं लिया हुआ है, कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कि रिलोकेट करे वो 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को। अब आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए बड़ा ही उत्सुक है। वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने रिनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया है। आपको पता है कि रावलपिंडी, कराची और लाहौर, इन तीन स्टेडियम्स को रिनोवेट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी ज्यादा पैसे भी खर्च कर रही है पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करवाने के लिए। इसके आगे जो अनाउंसमेंट हुआ था, यानी कि ये अनाउंसमेंट तब आया है जब इस समय पर जो पॉलिटिकल टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो चीजें रहती है, और खबर भी एक तरफ से चल रही है कि इंडिया क्या पाकिस्तान जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या इंडिया का स्टैंड होगा। अभी फिलहाल जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया का जो स्टैंड है, जो बीसीसीआई का स्टैंड पॉइंट है, वो यही है कि अभी जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, इंडिया जो है पाकिस्तान तो ट्रेवल नहीं करने वाला है। लेकिन यहां पर आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया था, और ये स्टेटमेंट दिया गया है आपका दुबई में, वहां पर उनसे पूछ लिया गया ये सवाल कि चैंपियंस ट्रॉफी का भाई क्या करना है, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, क्या होस्ट पाकिस्तान रहेगा, तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि कोई प्लान अभी ऐसा नहीं है एट सच कि पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट किया जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की एक तरफ लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।